YouTube से वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो वीडियो स्टूडियो में शो नहीं हो रही है। दोस्तों अगर यहाँ से मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ और वीडियो अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ से इसे अपलोड करता हूँ और इसे मैं यहाँ से फटाक से अपलोड करता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बट ये वीडियो मुझे स्टूडियो में शो नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, जितनी बार भी आप चाहें रिफ्रेश कर ले बट ये वीडियो आपको दिखेगी ही नहीं। तो यार ऐसा हो क्या रहा है YouTube में, जो वीडियो तो अपलोड हो रही है बट शो नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube ऐप के अंदर भी, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तभी तक आपको दिखेगी, पूरी कंप्लीट अपलोड होने के बाद ये आपको नहीं दिखेगी। तो यार ये प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए एक बार और आपको स्टूडियो में दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। यहाँ पे ये वीडियो आ ही नहीं रही है ताकि मैं इसका SEO टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकूँ। तो यार इस कंडीशन में हमें क्या करना है जिससे कि हमारी वीडियो हमें दिख सके और हम उसका अच्छे तरीके से SEO कर सकें। तो यार ये इसको ऐसे समझ लीजिए, ये YouTube का कोई बग है या फिर ग्लिच है, ठीक है, और इससे सभी लोग परेशान हैं। तो इसको सॉल्यूशन इसका क्या है वो देखिए। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले तो YouTube को कम से कम 8-10 बार स्टूडियो को रिफ्रेश करते रहना है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको YouTube ऐप पे एक सेकंड के लिए दबाना है, ऐप इन्फो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसे फोर्स स्टॉप करें और स्टोरेज यूजेज में आए एंड क्लियर कैच करें, क्लियर डाटा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से बाहर जाएं एंड इसी तरीके से आपको अब YouTube स्टूडियो जो ऐप है इस पर दबाएँ और ऐप इन्फो पे आएँ और यहाँ से इसे फोर्स स्टॉप करें एंड स्टोरेज यूजेज पे आएँ और यहाँ पे क्लियर कैच कर लें। उसके बाद यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है, अगर स्टूडियो में वीडियो शो हो जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप SEO कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं शो हो रही है तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नहीं हो रही है वीडियो शो, ठीक है, इस तरीके से। खैर मैंने तो डिलीट कर दी इसलिए शो नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपने डिलीट नहीं की है और आपकी फिर भी शो नहीं हो रही है तो उसको आगे कैसे सोल्व करना है देखिए। प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको स्टूडियो लिखना है, स्टूडियो लिख के सर्च करना है। अगर आपकी YouTube स्टूडियो में कोई अपडेट है तो उसे अपडेट कर देना है। मैंने ये अभी मैं अपडेट किया बट मेरी फिर भी सोल्व नहीं हुई है। उसके बाद ये देखिए YouTube ऐप सर्च करेंगे तो YouTube को इसे अपडेट कर देना है, क्योंकि किसी किसी मोबाइल में टेक्निकल इश्यू होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सभी के में हो रही है तो अलग बात है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोनों को अपडेट कर लेना है और इतना करने के बाद भी अगर आपके स्टूडियो में वीडियो शो नहीं हो रही है, ठीक है, तो यार आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसका मतलब ये है कि सभी के साथ है, आप ही अकेले ऐसे नहीं है जिसके साथ में ये प्रॉब्लम है, सबके साथ है। YouTube टीम का इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान होगा और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी कर देगी इस प्रॉब्लम को। बट आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये जब भी सॉर्ट आउट होगा तो ज़रूर YouTube स्टूडियो में और YouTube ऐप में, दोनों में से किसी में या फिर किसी एक में या फिर दोनों में भी अपडेट ज़रूर आएगा। इसलिए अपने प्ले स्टोर पर बने रहना है और YouTube ऐप को अपडेट आने के लिए जो है तैयार रखना है, सर्च करते रहना है YouTube ऐप को, अगर अपडेट आता है तुरंत अपडेट कर लीजिए, और स्टूडियो में भी अगर अपडेट आ रहा है तो उसे भी अपडेट कर लीजिए। अगर नहीं आता तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो ही जाएगी, अगर अपडेट आया है तो आपको अपडेट ज़रूर कर लेना है। ये ऊपर से प्रॉब्लम है YouTube की तरफ से, तो YouTube टीम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, आपको घबराना नहीं है।